नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारा एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपका ये भाई कभी भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लेके आता है या इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करता था, उसकी वीडियो के मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि आपके शरीर को उस तरह से किसका बेनिफिट देखने को मिल सके। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका ये भाई यूट्यूब पे एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा है, जिसका मेन टॉपिक है कि आप जो साबुन आज घर में यूज कर रहे हो, उस साबुन का आप दोस्तों फ़ायदा तो देख लेते हो, लेकिन नेगेटिव आप कोई भी चीज़ का नहीं देखते। आप फ़ायदा देख के वो चीज़ का इस्तेमाल करने लगते हो, लेकिन आपका उस शरीर बहुत ज़्यादा उसे के संभावना और उसके परिणाम देखने को भुगतने को पड़ सके। दोस्तों इसी तरह की बातों को आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो डेटोल साबुन आज यूज करो डेली अपने घर में, उसका आपका फ़ायदा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका किस तरह से आपके बॉडी पर नेगेटिव फर्क देखने को मिलते हैं, नेगेटिव असर देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह की बातों को इस वीडियो के लास्ट तक मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक सक्सेना और आप देख रहे हैं बातें अनसुनी सी। आप हमारे वीडियो के चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, जो सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन दिखा दे रहा है उसको ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियो डालें तो दोस्तों आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को वॉच कर सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप पहले तो जान लीजिए आपके जो शरीर का मेन जो पीएच माप होता है वो 4:4 होता है। जब अगर आप कोई भी 4% से ऊपर की पीएच की जो मापदंड होता है इसे यूज करते कोई भी चीज़ को, आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों, जो डेटोल साबुन आप आज जो घर में यूज कर रहे हो तो उसका पीएच मापदंड होता है 6.3%। 6.3 मापदंड होता है इसका पीएच माप। लेकिन दोस्तों आज कोरोना काल दौरान के बाद में, कोरोना काल से पहले डेटोल के जो पूरे विश्व के अंदर जो बिकने का जो पद था वो दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर था लाइफ, वो दूसरे स्थान पर था डेटोल। और दोस्तों कोरोना काल के दौरान जो कीटाणुओं के कारण जो भी आपने ना ऐड देखी होंगी बहुत सारे ना टीवी पे, कहीं हर जगह देखी होगी कि डेटोल साबुन का इस्तेमाल कीजिए कोरोना काल से बचिए। तो दोस्तों कोरोना काल में जो डेटोल साबुन जो हर महीने 7 करोड़ के आसपास बिकता था, आज वही डेटोल साबुन 27 से 28 करोड़ के समथिंग हर महीने बिकने लगा है। और वो पहले नंबर, दूसरे नंबर से आज पहले नंबर पर डेटोल साबुन आ चुका है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको 5 इस तरह के नेगेटिव असर दिखाने जा रहा हूँ, नेगेटिव जो आपको डेटोल साबुन इस्तेमाल करने से आपके शरीर पे किस तरह के फ़र्क देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहला असर जान के भी आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। आप जब डेटोल साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके बालों का मापदंड होता है 4 पीएच और जबकि डेटोल का होने लगा है 6.3%। 6.3 पीएच माप होने लगा है, जिससे आपके बालों में रूखापन आता है, सूखापन आ जाता है और वो बालों का धीरे धीरे पतला कर देता है, उसके बाद वहाँ से बालों का टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चेहरे पे, आप है ना पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, कहीं भी बैक्टीरिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेटोल साबुन खराब, बहुत अच्छा है कीटाणु वीटाणु को नाश करने के लिए, कीटनाशक के लिए। लेकिन दोस्तों आप चेहरे पर बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करते हो डेटोल साबुन को, तो आपके जो चेहरे पर काले काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी आने लगते हैं। इसी कारण जो आप डेटोल साबुन को चेहरे पर बहुत ज़्यादा रफली यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर दिए लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्टपन से, आप बहुत ज़्यादा रफली से यूज़ करते हो, जिससे आपके ना चेहरे पर दाग धब्बे देखने को बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब आप नहाते हो तो आपका जो डेटोल साबुन होता है पानी के द्वारा आपके कानों में प्रवेश करता है, जो कानों के पर्दों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो आपका जिसमें केमिकल होता है, जो कीटनाशक जो केमिकल होते हैं आपके बॉडी के अंदर ही उतना नुकसान करते हैं, बल्कि आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप जैसे आपके कान में वो पानी प्रवेश करता है तो आपके कान के पर्दे पे जाके सीधा असर करता है, जैसे कान के पर्दों में सूजन आती है और उसके बाद में आपको उसका दर्द भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसलिए जब भी आप डेटोल साबुन का इस्तेमाल की तो ध्यान रखिए कि वो कान में उसका साबुन का पानी ना जाए। उसके बाद में दोस्तों अब ज़्यादा हाथ पैरों में जो लोग साबुन घिसते हैं, ज़्यादा पैरों में, हाथों में, आगे की हथेली के भाग में, उसके आप कभी भी हाथ और पैरों को नोटिस करना, उनके हाथ और पैर फटने लगते हैं, उनकी चमड़ी वाइट बेड पड़ती है और ना शॉर्ट बने आके रूखे बना के वो ना फटने लगते हैं वहीं से। उसके बाद में दोस्तों अगर आप ये जान लीजिए, अगर आप डेटोल साबुन का इस्तेमाल करते हो आपकी बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कीटाणु वीटाणु को नाश करने के लिए, लेकिन दोस्तों वही अगर साबुन आपके भूल से, जैसे कि कान के दौरान, मुंह में भी कभी कभी जैसे दोस्तों को नहाते वक्त चला जाता है, अगर उसी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है आपके शरीर के अंदर तो आपको खुजली और स्किन का इन्फेक्शन भी देखने को मिल जाता है। आपके बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल, लेकिन आपके जब बॉडी के अंदर वो प्रवेश करता है तो आपके ये बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में दोस्तों ज़्यादा जिसकी चमड़ी फटने लगती है उसे ना डेटोल साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
आप है ना कोई भी है ना चेहरे के लिए फेस वॉश यूज़ कीजिए, बालों में तो बिल्कुल लगाना छोड़ ही दीजिए डेटोल साबुन का दोस्तों। तो दोस्तों आज ये वीडियो की जानकारी मैं आपको बहुत ज़्यादा ये मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने आपको बताई दोस्तों। इसी तरह की बातों को आप ध्यान में रखिए, इसी तरह की बातों को फॉलो कीजिए तो 100% दोस्तों आप किसी भी बीमारी से बचने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो और भी आते रहेंगे, हमारे चैनल को जाइएगा, जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बगल में बेल आइकन को प्रेस करके जाना। हमारी वीडियो की जानकारी इंपॉर्टेंट लगे तो इस भाई को जरूर सपोर्ट करना दोस्तों। आपके एक लाइक से आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती ताकि हम और भी वीडियो बना सके। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों।